रुख करने अगली खबर का। नॉन घोटाले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट ने एक बार फिर से इस मामले में सीएम रमन सिंह पर लगाए गए आरोप दोहराए हैं। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भट्ट ने सवाल उठाया कि 2014 में ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि 10 लाख टन धान की जबरदस्ती खरीदी कराई गई। 2013 चुनाव के ठीक पहले 51 लाख की जगह पर 72 लाख राशन कार्ड बना दिए गए। गांव में एक घर पर चार दरवाजे बनाकर एक परिवार के लिए चार चार राशन कार्ड बंटवाए गए। भट्ट ने आरोप लगाया है कि रमन सिंह ने चुनावी फायदे के लिए ये सब नाजायज दबाव डालकर कराया और इसके लिए नौकरी से निकालने की धमकी तक दी। भट्ट ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और अपनी जान को खतरा बताया है। घोटाले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट इस समय हमारे साथ मौजूद है। 4 साल बाद जमानत मिलने के बाद उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और कई मंत्रियों पर लगाए हैं। हमारे साथ खुद भट्ट जी मौजूद हैं। 4 साल बाद आप मीडिया के सामने आए हैं, कई तरह के खुलासे किए हैं, किस तरीके से पूरा घोटाला हुआ था, राशन कार्ड घोटाले का भी जिक्र आपने किया है। देखिए, ये था कि 21 लाख फर्जी राशन कार्ड बने। अब पब्लिक तो थी नहीं, राशन कार्ड से लेने वाले हितग्राही तो थे नहीं। वो राशन दुकानों में गया, उसके बाद वहां से कालाबाजारी हुई और उसका जो सत्ताधारी जो पार्टी है उनने उसका दुरुपयोग किया। कई तरह का जिक्र किया है, जो पूरा घोटाला हुआ था उसमें जो सीएम मैडम का जिक्र है, क्या वीणा सिंह ही थी वो? देखिए, वो सम्मान पूर्वक मैं नाम उनका लूंगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी रही। अब कार्यालय में जो लोग मिलने जुलने जाते थे, यदि वो मुख्यमंत्री की पत्नी उनके साथ बैठी हैं तो वीणा सिंह उनके पत्नी के रूप में तो हैं, ये तो सब जान रहे हैं। सरकारी गवाह बनाने का ऑफर आपको मिला है? हाँ, अभी उस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, अभी प्रस्ताव है, वो माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा। उसमें स्वीकार तो कर? हाँ, मैंने स्वीकार कर लिया है जी। हमारे साथ नान घोटाले मामले के मुख्य आरोपी शिवशंकर भट्ट, जिन्होंने हाल ही में कोर्ट में शपथ पत्र देकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, तत्कालीन खाद्य मंत्री पुन्नूलाल मोहरे और नान के तत्कालीन अध्यक्ष लीलाराम भुजवानी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।